बोइंग 747 400 टू 660 पैसेंजर एक बार में लेकर जा सकता है। यदि एक बार यूज होने के बाद यह एयरक्राफ्ट किसी काम का नहीं रहे तो कितना लॉस होगा। ठीक ऐसा ही है जो इतना बड़ा रॉकेट है इसके साथ होता है। एक पूरी रॉकेट व्हीकल में बहुत पावरफुल हेवी इंजन और इंजन के पीछे बेहतरीन इंजीनियरिंग लगी रहती है जो यूज एंड थ्रो होते हैं और करोड़ों रुपए वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे इन इंजन को वापस जमीन पर लाया जा सके। बड़े मिशन जैसे मून मिशन, मार्स मिशन, यह कई सालों से लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन स्पेस मिशन जिनमें सैटेलाइट लॉन्चेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एस्ट्रोनॉट आए दिन आते जाते रहते हैं। तो एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट इंट्रोड्यूस किए जो स्पेस के फील्ड में गेम चेंजर हो सकते हैं। आप जो रॉकेट देख रहे हो ये फाल्कन 9 है। इसने अब तक 255 लॉन्चेस किए हैं जिनमें से 213 ने वापस सक्सेसफुल लैंडिंग की है और 188 टाइम्स रीफ्लाई भी किया है। फाल्कन 9 टू स्टेज रॉकेट इंजन है जिसकी हाइट 70 मीटर की है। यह रॉकेट 7600 किलोटन का थ्रस्ट क्रिएट करता है जो ऑलमोस्ट 23,000 केजी का वजन अर्थ के ऑर्बिट में लेकर जा सकता है और 4,000 केजी वजन तक का पेलोड मार्स तक लेकर जा सकता है। इसकी फर्स्ट स्टेज में टोटल 9 मर्लिन इंजन होते हैं जो जमीन से लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। यह सभी इंजन एक दूसरे के साथ में इस तरीके से सिंक्रोनाइज होते हैं कि यदि इनमें से दो इंजन फेल भी हो जाते हैं तो भी यह अपना मिशन पूरा करने की कैपेसिटी रखते हैं। हर एक इंजन के लिए 3 कंप्यूटर सिस्टम लगे रहते हैं और हर कंप्यूटर के पास में 2 फिजिकल प्रोसेसर होते हैं डेटा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यही इंजन इस रॉकेट को वापस लैंड करवाने वाले हैं अभी कुछ टाइम बाद में, तो बहुत हेवी और एक्यूरेट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन इंजन की डिजाइन कुछ ऐसी होती है कि यह अपने आप को बार बार रीइग्नाइट कर सकते हैं और इनका हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है। इन इंजन के ऊपर बड़े बड़े फ्यूल टैंक लगे रहते हैं। ऊपर के टैंक में चिल्ड लिक्विड ऑक्सीजन भरी रहती है और नीचे के टैंक में एकदम ठंडा रॉकेट प्रोपेलेंट 1 को काम में लिया जाता है जो केरोसिन की हाईएस्ट रिफाइंड फॉर्म है। इन दोनों फ्यूल टैंक से फ्यूल पहुंचता है इंजन के पास में और हर एक इंजन में ऑक्सीजन और RP-1 को आगे पंप करने के लिए पावरफुल टर्बो पंप लगे रहते हैं जो एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं जो 36,000 RPM की स्पीड में रोटेट करते हैं और 10,000 HP जितनी पावर प्रोड्यूस करते हैं। इन पंप को रोटेट करवाने के लिए एक हाई स्पीड टर्बाइन लगा रहता है जो इसी शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। अब इस टरबाइन को पावर देने के लिए एक अलग छोटा कंबसन चैम्बर बना रहता है जहां पर ऑक्सीजन और रॉकेट प्रोपेलेंट 1 को इन मेन पाइप से निकालकर मिक्स करके जलाया जाता है। जब फ्यूल बर्न होगा तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेस रिलीज होगी और इन गैसेस को टरबाइन पर भेजा जाएगा जहां से टरबाइन हाई स्पीड में रोटेट करना शुरू करेगा। इसलिए इस टरबाइन वाली स्टेज को गैस टरबाइन बोलते हैं और टरबाइन रोटेट करने के बाद में इन गैस को बाहर छोड़ दिया जाता है। अब दोनों टर्बो पंप हाई स्पीड में रोटेट करने लग गए हैं तो यह दोनों फ्यूल को मेन कंबसन चैम्बर में पंप करना शुरू कर देंगे और इस चैम्बर में इंजेक्टर प्लेट लगी रहती है जो दोनों फ्यूल को एटम्स में तोड़ देती है जिससे दोनों फ्यूल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब आती है बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज जिसमें इन दोनों फ्यूल को इग्नाइट करना होता है। दोस्तों इस टाइप के जितने भी इंजन है इनको रीस्टार्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए क्रायोजेनिक इंजन भी स्टार्ट होने के बाद में फ्यूल खत्म होने पर ही बंद होते हैं और काम होने पर रॉकेट से अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन एलोन मस्क ने यहाँ पर अपना जबरदस्त दिमाग लगा दिया। एलोन मस्क यार लिटरली इतना माइंडेड इंसान है कि हमेशा धमाका करता है। आपको पता है टेस्ला कार एक बहुत ही एडवांस रोबोट है जो रियल टाइम डेटा कैलकुलेट करके सेल्फ ड्राइव कर सकती है और इसी कंसेप्ट को यूज में करके एलोन मस्क ओपन AI कंपनी के फाउंडर भी बन गए। अरे ओपन AI मतलब ChatGPT, नाम तो सुना ही होगा ना। कुछ लोग बहाना मारते हैं यार मेरे में दिमाग नहीं है इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अब दिमाग ChatGPT लगाएगा और ChatGPT से किस तरीके से काम करवाना है वह आपको सिखाएंगे इंडिया के बेहतरीन स्टार्टअप ग्रोथ स्कूल। ग्रोथ स्कूल की 3 आवर की पेड वर्कशॉप खुद ग्रोथ स्कूल के फाउंडर वैभव सिसिनेटी कंडक्ट करेंगे। जनरली यह वर्कशॉप पेड होती है लेकिन आप लाइव अड्डा के सब्सक्राइबर हो तो फर्स्ट 1000 लोगों के लिए फ्री रहेगी। मैंने खुद ने यह वर्कशॉप अटेंड की है जो रियली में आउटस्टैंडिंग है और मैं इसको 5 out of 5 रेटिंग दूंगा। जब ChatGPT से बहुत सारे काम विद इन द सेकेंड विद हाई एक्यूरेसी से हो रहे हैं तो समझदारी इसी में है कि इसको सीखा जाए। आप वर्किंग प्रोफेशनल, फ्रीलांसर, फाउंडर, स्टूडेंट या क्रिएटर भी हो तो यह वर्कशॉप आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा ग्रोथ स्कूल की वर्कशॉप को जरूर से अटेंड करना जल्दी से जल्दी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्कशॉप के बाद में आपको ChatGPT के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। RP-1 एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको इग्नाइट करना आसान नहीं है और इलेक्ट्रिक स्पार्क से भी इसको कंटिन्यूअसली जलाकर रखना पॉसिबल
कैपेबल नहीं है और हमें इंजन को बार बार इग्नाइट करने की जरूरत है, इसलिए एक अलग इग्नाइटर को यूज किया गया जिसको फायरोफोरिक इग्निशन बोलते हैं। फायरोफोरिक का मतलब होता है एक ऐसा सबस्टेंस जो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते ही तुरंत जलना शुरू हो जाए, इसलिए रॉकेट इंजीनियर को टी टेप मिला जो ऑक्सीजन के मिलते ही तुरंत जल जाता है चाहे रॉकेट पानी के अंदर ही क्यों ना हो। यह भी एक लिक्विड है इसलिए इग्निशन के टाइम टी टेप का एक रेशियो कंबसन चेंबर में भेजा जाता है जो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते ही फ्यूल आग पकड़ लेता है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जलने लगता है। कंबसन चेंबर के आगे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग चेंबर लगा रहता है जो गैस को बाहर रिलीज कर देता है जिससे एक पावरफुल थ्रस्ट मिलता है। जब फ्यूल जलता है तो नोजल का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से नोजल का मेटल डैमेज होने के बहुत ज्यादा हाई चांस रहते हैं। तो RP-1 कूल्ड लिक्विड फ्यूल है जिसको नोजल के चारों तरफ ट्यूब के अंदर घुमाया जाता है और फिर चेंबर में भेजा जाता है जिससे नोजल का टेम्परेचर भी एक लिमिट में रहता है। अब सभी इंजन टेक ऑफ के लिए रेडी है तो इंजन इग्नाइट होते हैं और स्पेस मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 158 सेकंड तक सभी इंजन एक साथ चलते हैं और इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा होती है। आफ्टर 158 सेकंड फर्स्ट स्टेज सेपरेट हो जाती है और सेकंड स्टेज जिसमें पेलोड रखा रहता है, जिसमें सैटेलाइट या कोई भी एस्ट्रोनॉट है जिनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाना है, उनके लिए अब सेकंड स्टेज में लगा हुआ एक मर्लिन इंजन स्टार्ट हो जाता है। यह मर्लिन इंजन वैक्यूम के अंदर काम करता है और सैटेलाइट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। लेकिन हमें जानना है फर्स्ट स्टेज के बारे में जो सेपरेट होने के बाद में नीचे गिरना शुरू हो जाती है और इसको हमें सक्सेसफुली वापस लैंड करवाना है। फर्स्ट स्टेज का एक पूरा पाथ होता है जिसको फॉलो करते हुए लैंड करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि रीयूजेबल रॉकेट पेलोड को मून या मार्स पर छोड़कर वापस आ जाएंगे, बस इनका इतना ही काम है पेलोड को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाकर वापस रवाना हो जाते हैं। जब दोनों स्टेज अलग होती है तो फर्स्ट स्टेज हाई स्पीड ऑफ फ्रिक्शन की वजह से टंबलिंग ना करने लग जाए इसलिए इंजन को स्टार्ट करके एरोडायनामिकली सरफेस कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट स्टेज के ऊपर की तरफ दो कोल्ड गैस थ्रस्टर लगे रहते हैं जिनमें टोटल 8 नोजल होते हैं। जब रॉकेट का एंगल बदलना होता है तो फायर किए जाते हैं। इन थ्रस्टर के पास में कोई इंजन नहीं होता है, बस इनके पीछे एक हाई प्रेशर के साथ में टैंक में भरी हुई नाइट्रोजन या हीलियम गैस होती है और हर थ्रस्टर चारों डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं। रॉकेट के ऊपर की तरफ ग्रिड फिन्स लगे रहते हैं जो रॉकेट के एरोडायनामिक कंट्रोल सरफेस को हाई प्रिसीजन के साथ में इसकी पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। रॉकेट को ओशियन के अंदर लैंड किया जाता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ में लैंड करना। रॉकेट इस ऑटोनोमस स्पेस पोर्ट ड्रोन शिप पर लैंड करता है। इस लैंडिंग के फेज में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS और GPS की हेल्प से रॉकेट को बार बार रीइग्नाइट करके रॉकेट के गाइडेड पाथ के अंदर चलते हुए फॉलिंग की स्पीड को स्लो डाउन किया जाता है। जब रॉकेट लैंड होने वाला होता है तब इसमें लगे 4 लेग्स को डिप्लॉय किया जाता है जो 18 मीटर तक के एरिया को कवर करते हैं। यह लेग कार्बन फाइबर विद एल्यूमिनियम हनीकॉम के बने होते हैं। अब जब रॉकेट ड्रोन पर लैंड करने वाला होता है तो अपने 3 मर्लिन इंजन को फायर करता है और टारगेटेड जगह पर रॉकेट सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। लैंडिंग का पूरा फेज ऑटोमेटिक होता है। अब इस रॉकेट को वापस रीलॉन्च करने के लिए इसका मेंटेनेंस और सर्विस का काम किया जाता है और फिर से स्पेस में भेजा जाता है। अभी तक जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसको 10 टाइम्स रीलॉन्च किया जा सकता है। इसमें यूज होने वाला RP-1 फ्यूल कोई बेस्ट फ्यूल नहीं है और इंजन में भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि टर्बाइन को रोटेट करने के लिए जो अलग से फ्यूल जलाया जाता है वह पूरी तरीके से नहीं जल पाता और ऊपर से उसको बाहर छोड़ दिया जाता है जो कि एक ओपन सिस्टम है और ऐसा करना एक तरीके से मर्लिन इंजन की मजबूरी है क्योंकि केरोसिन की वजह से जो मेन कंबसन चेंबर में फ्यूल जल रहा है यदि उसे टरबाइन घुमाया जाएगा तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि टरबाइन ही मेल्ट हो जाएगा, इसलिए आधे जले हुए फ्यूल से टरबाइन को सेफ रखा जाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए स्पेसएक्स एक न्यू राप्टर इंजन डिजाइन कर रहा है जिसमें मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा एज ए फ्यूल जो और भी ज्यादा बेटर है। ग्रोथ स्कूल की ChatGPT की फ्री वर्कशॉप दोस्तों जरूर से ज्वाइन करना, अपने करियर को एक बेस्ट स्टार्टअप देने के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। थैंक यू।